ग्रो एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम कैसे आईपीओ अप्लाई करें, इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताएंगे, समझाएंगे और एक आईपीओ अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बिल्कुल शुरू से ले चलते हैं, जहां भी आपका ग्रो एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन में, उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, 4 डिजिट का एम पिन मांगेगा, उसे फिल करना है, देन कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ जो सामने देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो सेक्शन होता है आईपीओ का वो समझिए, ये एक्सप्लोर है, ये जो ग्रो एप्लीकेशन का होम पेज का ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा आईपीओ का, जो कि एक स्पीकर टाइप का है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वर्तमान समय में जो भी आईपीओ जिस भी कंपनी का ओपन रहेगा आपको ऐसा देखेगा, अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि नीचे भी 2 कंपनी का आईपीओ आ चुका है, लेकिन यह 1 अगस्त से होगा, इसलिए यहाँ पे प्री आई जो है अप्लाई लिखा हुआ है, यानी कि 1 से 2 दिन पहले भी ऑनबोर्ड हो जाता है, तो प्री अप्लाई में भी लोग अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन हम आपको जानकारी के बता दूँ कि हम यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक करते हैं, जो दवा बनाने वाली कंपनी AQMS ड्रग्स वाली कंपनी है, हम इसमें पैसा लगाएंगे, इस पर 1 बिड अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिएगा, फोन पे या फिर जो गूगल पे होता है उसे कैसे पैसे ब्लॉक किया जाता है, सभी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अप्लाई वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे अप्लाई वाले पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें अभी आया, इस बिल्कुल ईजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐड बीड, यदि 1 से ज़्यादा बीड रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको जानकारी बताऊँ तो 1 से ज़्यादा बीड रखना चाहते हैं तो वो जो है आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको 1 ही बीड के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको एक रेगुलर है, ये लॉट साइज हो गया, और यहाँ पे कटअप प्राइज में कुछ भी नहीं करना है। कटअप प्राइज यदि ये चेक नहीं रहता तो आपको टिक जरूर करना है। टोटल अमाउंट यहाँ पे 14,938 रुपये जो है मुझे लगने वाले हैं। रेगुलर पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ समझिए, जो कंपनी यदि अपनी एम्प्लाई रखी है तो एम्प्लाई को भी प्रेफरेंस देती है, तो वो आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगा। 2 लाख से ऊपर लगाने वाले कैंडिडेट जो है इसको चूज करेंगे, और 2 लाख तक जो पैसा लगाना चाहते हैं वो व्यक्ति जो है रेगुलर में चूज करेंगे, चाहे 1 लगाइए या फिर 2 लाख तक जितना चल जाए। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पे 1 बिड अप्लाई करने वाले, तो हम रेगुलर को चूज करते हैं, और नीचे जो ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसी के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है, तो हम डन के ऊपर क्लिक करते हैं। कटअप प्राइस सब चीज़ ठीक है, मैंने सभी चीज़ देख लिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपके जो डीमेट अकाउंट है, इससे जो भी गूगल पे हो या फिर फोन पे हो या फिर जो भी UPI यूज करते हैं, अकाउंट बनाते समय सभी चीज़ें जो है चेकआउट किया जाता है, रीडायरेक्ट होता है, डायरेक्टेड होता है, तो ऑलरेडी सेव हो जाता है। ठीक है, यदि नहीं सेव होता है तो आप यहाँ जो है एक आध बार जैसे फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक हिस्ट्री बन जाएगा, तो आप अपना जो भी UPI नंबर है यहाँ पे सेव कर जो है ऐड कर सकते हैं। नहीं शो करता है तो ठीक है, मेरे में शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मेरे में जो शो कर रहा है वो UPI नंबर ये है। ठीक है, ऊपर वाली, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिडक्ट करके जो है ये ऊपर ले लेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। अब नीचे देखेंगे तो नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, तो इस कंटिन्यू वाले पे जो है हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू वाले पे क्लिक जैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए वो सभी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब कंफर्म अप्लाई पे बताया जा रहा है, क्या बोल रहा है, कंफर्म अप्लाई पे, तो आपको क्या करना है, जो कन्फर्म अप्लाई की बटन है इसी पर हमको क्या करना है, क्लिक करना है। प्राइस रेंज वगैरह सभी चीज़ें शो हो जाएगा, 22 का शेयर लॉट साइज है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, तो कंफर्म अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं। जैसे कंफर्म अप्लाई पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए आपका रिक्वेस्ट जो है जा चुका है, आपका जो भी फोन पे है गूगल पे है उस पर यहाँ पे डन करेंगे तो रिक्वेस्ट चल जाएगा, देन आपको वहाँ से मैंडेट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे आगे, वही चीज़ें बताने वाले, वीडियो में बने रही है। तो इसमें हम डन कर देते हैं, डन करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आप सीधे अपने उस एप्लीकेशन को ओपन करना जिस UPI को नंबर यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, तो हम गूगल पे को ऐड किए हैं, तो अब चलते हैं गूगल पे जो एप्लीकेशन है हम उस पर क्लिक करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये मेरा गूगल पे एप्लीकेशन है, हम इस पर टच करते हैं, और जैसे इस पर टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे पॉपअप आ चुका है, ये मैंडेट जो है मुझे देना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, तो ये अमाउंट जो है मेरा 14,938 रुपये ब्लॉक हो जाएंगे। यदि जो लिमिटेड डेट है उस डेट में यदि अलॉटेड मुझे नहीं होता है, जो पैसा ब्लॉक होगा ऑटोमेटिक किसी अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, यदि आपका शेयर अलॉटेड हो जाता है, शेयर आपको मिल, यदि आपको क्या है कि शेयर यदि मिल जाता है तो आपको क्या होगा, आपका जो डीमेट अकाउंट है वहां पे शेयर अलॉटेड हो जाएगा, और ऑनबोर्ड होने के बाद उसमें शेयर बाई और सेल आप कर सकते हैं, वहां से सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट होने के बाद तो हमको क्या करना है, जो प्रोसीड की ऑप्शन है इसमें हम क्लिक करते हैं।
जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब जो है यहाँ पे ऑथराइजेशन करना है, ठीक है, ऑथराइजेशन पे हम क्लिक किए, अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, जो भी आपका बैंक जुड़ा रहेगा वो सभी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा शो हो जाएगा, नंबर वगैरह। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक किए, अब जो है यहाँ पे आपकी जो भी ट्रांजेक्शन पिन वगैरह है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे इंटर UPI पिन कर देते हैं। अब जो भी मेरा ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे दिया गया 4 डिजिट का, उसे हम फिल करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आपका अमाउंट भी ब्लॉकेड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,938 रुपये इस तरीके से डिडक्टेड हो जाएगा। डिडक्ट नहीं होता है, मतलब अमाउंट जो है ब्लॉक होता है। यदि लॉट हो जाता है शेयर तो आपको डिमेट में दिखेगा, नहीं तो अनब्लॉक हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि IPO में एक कैसे पता चलेगा कि मेरा अमाउंट जो है यहाँ पे सक्सेस हुआ या फिर नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हमें IPO वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट यहाँ पे जो है ले लिया है, ठीक है, अमाउंट पे हो गया है। तो इसे एक बार फिर से हम क्लिक करते हैं और देखिए एप्लीकेशन आपका जो सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरीके से किसी भी IPO में बड़ी आसानी से जो है आप पैसे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।